हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है एक्स मैन द न्यू म्यूटेंट्स। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुँच पाएँ। तो दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टोरी लाइन की शुरुआत होती है 2029 में, जिसमें एक लड़की की नरेशन वॉइस हमें सुनाई देती है। वो कहती है कि हर किसी के मन में दो भालू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छे भालू के अंदर हमदर्दी और निडरता होती है और वहीं बुरे भालू के अंदर आक्रामकता और गुस्सा भरा होता है। इसके बाद फिल्म की कहानी जो आधी रात से शुरू होती है, इसमें हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम है डैनियल मूनस्टार, उसको देखते हैं। हम देखते हैं कि डैनियल के पिता जिसका नाम है विलियम, वो उसे आकर उठाते हैं और कहते हैं कि उठो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हर जगह तबाही मची हुई है। डैनियल कुछ नहीं समझ पाती, वो उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तब उसे पता चलता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर उन पर और उनके पूरे गाँव पर हमला कर रही है। अब डैनी के फादर विलियम उसे एक सेफ जगह पर छुपा देते हैं और बाकी लोगों की मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद विलियम की डेड बॉडी डैनी के सामने आकर गिरती है और इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब वो यहाँ से भागने लगती है और हम देखते हैं कि वो सुपर नेचुरल पावर उसका पीछा करने लगती है। अब डैनी वहाँ से भागते भागते एक पहाड़ी की चोटी पर पहुँच जाती है और उसका वहाँ से पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन जब डैनी को होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर पड़ा पाती है और उसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। वो उन हथकड़ियों को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उनको खोल नहीं पाती। वो आसपास की खिड़कियों में जाकर चिल्लाने की कोशिश करती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता है। तभी दोस्तों वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाती है जिसका नाम है सिसियाला रेस। वो कहती है कि अगर तुम मुझे किसी भी तरह की चोट ना पहुँचाओ तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। इस बात पर डैनी उसे अंदर आने के लिए रास्ता दे देती है। अब डॉक्टर रेस उसके पास आती है और उसे बताती है कि कल रात तुम बेहोश हो गई थी और हमारे ही कुछ साथी तुम्हें यहाँ तक लेकर आए। साथ ही वो डॉक्टर उसे ये भी बताती है कि कल रात को तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया था और उस तूफान में तुम्हारे पिता के साथ साथ और भी कई सारे लोग मारे गए और वहाँ से बच कर निकलने वाली सिर्फ तुम एक अकेली हो क्योंकि तुम एक म्यूटेंट हो। साथ ही वो इस जगह के बारे में ये बताती है कि ये एक मेंटल फैसिलिटी है जहाँ पर तुम जैसे म्यूटेंट्स को बुलाकर ठीक किया जाता है। लेकिन दोस्तों, डैनी को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। वो बताती है कि वहाँ कोई तूफान नहीं आया था बल्कि उसने वहाँ पर दो बड़ी बड़ी आंखें देखी थी और वो कोई म्यूटेंट नहीं है। फिर डॉक्टर कहती है कि 13 साल की उम्र तक म्यूटेंट्स में पावर आनी शुरू हो जाती है लेकिन तुम 16 साल की हो चुकी हो और फिर भी तुम्हें अभी तक अपनी पावर्स का कुछ पता नहीं। लेकिन अब तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी पावर्स क्या है। अगर नहीं पता चलेगा तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर अगले दिन डॉक्टर रेस उस फैसिलिटी में मौजूद बाकी सारे म्यूटेंट से डैनी को मिलवाती है। सबसे पहले रैन से इंट्रोड्यूस करवाती है जो अपने आप को कभी भी एक भेड़िया में तब्दील कर सकती थी और उसकी पावर उसे तब पता चलती है जब वो एक पादरी को मार देती है। दरअसल वो एक चर्च में गई थी अपने आप को कन्फेस करने के लिए कि उसमें बहुत सारी बुरी शक्तियां हैं और वो उन्हें सही करना चाहती है, लेकिन पादरी उसकी मदद करने के बजाय उसको मारने की साजिश रचने लगा और इसीलिए उसने अपनी पावर्स की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट किया और पादरी को मार दिया। फिर मुलाकात होती है इलियाना से जिसके पास एक पपेट होता है। वो उसे लॉकेट कहकर बुलाती थी और उसके पास ये पावर्स थी कि वो कहीं पर भी टेलीपोर्ट होकर जा सकती थी और जरूरत पड़ने पर वो अपने एक हाथ से ब्लू कलर की तलवार भी जनरेट कर सकती थी जिससे वो किसी को भी खत्म कर सकती थी। अब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है रोबर्टो डेकोस्टा से जो ब्राजील के एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसके पास कौन सी पावर्स है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। अब लास्ट में बारी आती है सैम की जो एक कोयले के खदान में काम करने वाले परिवार से बिलोंग करता था। उसके पिता एक कोयले के खदान में काम किया करते थे। उसके पास ये पावर थी कि वो बिजली की तरह कहीं पर भी आ जा सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि इलियाना डैनी के आने से खुश नहीं थी, वो उसे बुली करने लगी और ये सब कुछ डॉक्टर देख रही होती है। अब डॉक्टर रेस इलियाना से बोल देती है कि तुम डैनी को पूरा कैंपस दिखाओ। अब इलियाना उसे पूरा कैंपस दिखाने लगती है और हमें पता चलता है कि इस पूरे कैंपस में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं।
यानी वो लोग हर वक्त सीसीटीवी कैमरास की नज़र में रहते थे। अब डैनी को बाहर का दरवाज़ा खुला दिखाई देता है तो वो इलियाना से पूछती है कि क्या यहाँ पर बाहर का दरवाज़ा हरदम खुला ही रहता है, इस तरह से तो यहाँ से कोई भी कभी भी भाग सकता है। तो इलियाना कहती है कि हाँ, यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, तुम जब चाहो यहाँ से भाग सकती हो। और ये बात सुनते ही डैनी काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लगती है और इलियाना भी उसे बोलती है कि भागो, हाँ और तेज़ भागो। अब वो तेज भागते भागते जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है, वो एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है जिसे क्रिएट किया था डॉक्टर रेस ने। अब ये सारी चीजें रेन भी भेड़िया बनकर देख रही होती है। अब इस बात से डैनी को बहुत गुस्सा आता है, वो इलियाना को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन इलियाना के पास तो होती है टेलीपोर्ट होने की पावर, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब डैनी को पता चलता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है बल्कि एक कैद है जहाँ पर इन सभी लोगों को कैदी बनाया गया है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि उसे अब यहाँ पर नहीं रहना और वो खुद को मारने की ट्राई करती है। और इसीलिए वो पहुँच जाती है वहाँ की सबसे ऊंची मीनार पर और वहाँ पर मौजूद वॉल क्लॉक की लकड़ियों को तोड़कर वहाँ से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर रेन आकर उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से गिरी तो बिल्कुल नहीं बचोगी। तो डैनी कहती है कि मैं यही चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। तो रेन कहती है कि कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे जान से मर जाना चाहिए, लेकिन हम सभी को यहाँ पर सुधरने के लिए बुलाया गया है। तभी रेन और डैनी के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब रात के समय जब सभी म्यूटेंट्स अपने अपने कमरे में सो जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरास जो सभी के कमरे में लगे हुए हैं, तो उनसे डॉक्टर और सभी को पता चलता है कि डैनी के अंदर एक सायोनिक पावर है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ सैम और रॉबर्टो एक लॉन्ड्री रूम में है जो अपने कपड़े धोने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ की लाइट चली जाती है तो रॉबर्टो लाइट ऑन करने के लिए वहाँ से निकल जाता है और तभी सैम को वॉशिंग मशीन में से किसी का हाथ आते हुए दिखाई देता है। तो वो उसको चेक करने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वो अपने फ्लैशबैक में पहुँच जाता है, यानी उसी कोयले की खदान में जहाँ पर वो अपने पापा के साथ काम किया करता था। अब सैम इन बातों से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और तभी यहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सैम काफ़ी दूर जाकर गिरता है। अब अगले दिन सभी एक रूम में बैठे होते हैं, सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी सैम रॉबर्टो से बात करता है और तभी वहाँ पर इलियाना, रेन और डैनी भी पहुँच जाते हैं और इलियाना यहाँ पर फिर से डैनी को बुली करने लगती है और उसे बुरा भला सुनाने लगती है। अब ये सब सुनकर डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो इलियाना को एक पंच मार देती है। इस बात पर इलियाना को भी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपनी ब्लू स्वॉर्ड निकाल लेती है। अब वो डैनी को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर डैनी के चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है और अब वो दोनों को सजा देती है, लेकिन रेन कहती है कि इसमें डैनी की कोई गलती नहीं है। तो डॉक्टर कहती है कि मुझे पता है, लेकिन गलती दोनों से हुई है तो सजा दोनों को ही मिलेगी। अब दोनों को आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाता है। अब उसी रात सीसीटीवी कैमरा में डैनी के अंदर उन्हें फिर से सायोनिक एनर्जी दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है इलियाना जो अपने फ्लैशबैक में पहुंच चुकी होती है। वो अपने आप को अपने बचपन में पाती है अपने पपेट के साथ और सो रही होती है एक ऐसी जगह जो उसने खुद ने ही क्रिएट की होती है। तभी वहाँ पर बड़े बड़े और स्माइली फेस वाले म्यूटेंट्स आ जाते हैं और वो उसे मॉलेस्ट करने लगते हैं। दोस्तों, अब डैनी भी अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जहां उसे ठंड लगती है और दो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है। अब डैनी खूब जोर से चिल्लाती है तो डॉक्टर रेस को अपने कंप्यूटर से पता चलता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, इसीलिए उसी वक्त वहां पर डॉक्टर रेस पहुंच जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है और साथ ही वो उसका डीएनए टेस्ट भी करती है। और जब डॉक्टर रेस डैनी के पास जाती है तो वो उसे पूरी स्वेटी यानी पूरी भीगी हुई दिखाई देती है। फिर अगले दिन रेन को दिखाया जाता है जो चर्च में जाकर कन्फेस करती है पादरी से, लेकिन तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई पादरी है ही नहीं, यहाँ जरूर कोई शक्ति है जो उसका बार बार पीछा कर रही है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब उसी रात सैम, रॉबर्टो और इलियाना डॉक्टर रेस की चाय में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, इसी वजह से डॉक्टर को नींद आ जाती है और वो सभी पहुँच जाते हैं उस फैसिलिटी की छत पर और वहाँ पर पहुँचकर सभी ट्रुथ एंड डेयर का गेम स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर मौजूद लाइट डिटेक्टर मशीन का वो यूज़ करते हैं और बारी बारी से सभी उस मशीन पर बैठते हैं। सबसे पहले बारी आती है डैनी की, तो सभी डैनी से पूछते हैं कि तुमने अपने गले में ये जो भालू का तावीज़ पहना है इसका राज क्या है।
तब डैनी बताती है कि मेरे फादर ने बचपन में मुझे एक कहानी सुनाई थी कि हमारे अंदर दो भालू होते हैं, एक अच्छा भालू एक बुरा भालू। अच्छे भालू के अंदर आत्मनिर्भरता और निडरता होती है, वहीं बुरे भालू के अंदर होता है गुस्सा और आक्रामकता, और वो हमेशा हमें बुराई की तरफ ले जाता है। अच्छा भालू हमारी खुशियों के लिए जीता है और बुरा भालू हमें डर की तरफ ले जाता है, जिससे हम जितना ज्यादा डरेंगे वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। और ये लॉकेट हमेशा मुझे याद दिलाता है कि मेरा डर कितना छोटा है, और इसी वजह से मैं ये लॉकेट पहनती हूँ। अब बारी आती है इलियाना की। अब उससे ट्रुथ पूछा जाता है तो इलियाना बताती है कि मैंने अब तक की मेरी लाइफ में 18 लोगों को जान से मार दिया है। इसके बाद सभी आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर हम इस टेस्ट में पास हो गए तो हमें एक्समैन एकेडमी भेजा जाएगा, जहां पर सभी एक्समैन रहते हैं। अभी तो हम न्यू म्यूटेंट्स हैं और अभी हमें अपनी पावर्स के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं है। जब हम ठीक से अपनी पावर्स का यूज़ करना सीख जाएंगे तो डॉक्टर रेस अपनी सुपीरियर से बात करके हमें एक्समैन कंपनी भेज देंगी। अब पार्टी खत्म होने के बाद में रोबर्टो एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है, जहां पर इलियाना स्विम कर रही होती है। अब यहां इलियाना रोबर्टो से कहती है कि क्या तुम भी अंदर आना चाहोगे, तो रोबर्टो भी स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी एक्साइटेड नज़र आते हैं। अब रोबर्टो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर इलियाना नहीं बल्कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड है, जिसको उसने जलाकर मार दिया था, और वो उसी जले हुए रूप में उसे मारने के लिए यहाँ आई थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा जल भी रहा होता है और यही उसकी एक्चुअल पावर थी। उसके अंदर सन वाली पावर थी, वो जब चाहे अपने आप को एक धधकते सूरज में तब्दील कर सकता था। अब जब डॉक्टर रेस रोबर्टो को ऐसे हालत में देखती है तो वो उसे स्विमिंग पूल में पुश कर देती है, जिसकी वजह से वो फिर से ठंडा हो जाता है और अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। अब इन सब के बाद सभी म्यूटेंट्स को ये लगने लगता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई हॉन्टेड चीज़ है जो हम सभी को परेशान कर रही है। अब दूसरी तरफ डैनी की भी रिपोर्ट्स आ चुकी है, जहाँ पर डॉक्टर को पता चलता है कि डैनी की पावर सबसे ज़्यादा खतरनाक है और डैनी की वजह से सबको खतरा हो सकता है और इसीलिए उसे जान से मारना ही पड़ेगा। फिर अगले सीन में डॉक्टर डैनी के पास पहुंचती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है और इसीलिए मुझे तुम्हारे कुछ और भी टेस्ट करने होंगे। इसीलिए वो उसे एक सीक्रेट चैम्बर में ले जाती है। अब डॉक्टर रेस डैनी को एक बेहोशी का इंजेक्शन देकर उस पर एक मास्क लगा देती है और उस मास्क के थ्रू डैनी को जो गैस मिल रही है वो जहरीली होती है, यानी डॉक्टर डैनी को यहाँ पर मार रही है। अब डैनी को थोड़ी ही देर बाद जब पता चलता है कि उसे सांस नहीं आ रही तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है और ये सारी बातें सुन लेती है रैन, क्योंकि वो एक भेड़िए के पावर्स को अज्यूम करती है, इसी वजह से उसे दूर दूर तक का सुनाई दे सकता है। और तभी रेन वहाँ पर डैनी को बचाने के लिए पहुँच जाती है और डॉक्टर रेस की असलियत जान जाती है। अब वो भेड़िया बनकर डॉक्टर रेस पर हमला करने लगती है। फिर डॉक्टर रेस यहाँ से भाग जाती है और रेन डैनी को बचा लेती है। अब वहीं दूसरी ओर उस फैसिलिटी में एक म्यूजिक प्ले होता है। हम देखते हैं कि इलियाना और सैम उस म्यूजिक को सुनकर एक रूम में पहुंचते हैं और वहां पर वही स्माइली फेस वाला एक बड़ा सा क्रिएचर था। अब इलियाना उस क्रिएचर से कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, तो वो क्रिएचर उसके सामने आने लगता है। अब वो क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। सैम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे और भी क्रिएचर्स पहुँच जाते हैं। अब हम देखते हैं रोबर्टो को, जो किचन के अंदर काम कर रहा है, और वहाँ पर भी वो क्रिएचर उसे जान से मारने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन रोबर्टो अपनी पावर से उसे जला देता है। अब ये तीनों जने यूनाइट होकर उन सभी क्रिएचर से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी इलियाना गायब होकर दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। अब सैम और रोबर्टो भी वहाँ पर पहुँच कर उन सभी क्रिएचर्स का सामना करते हैं। फिर यहाँ पर इलियाना अपनी ब्लू स्वॉर्ड के साथ में वापस आ जाती है और इन सभी क्रिएचर्स पर हमला करने लगती है। इन सभी को मारने के बाद में सभी म्यूटेंट्स डॉक्टर रेस के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमरास थे, जिसकी वजह से वो नजर रख सकते थे कि उन पर कोई हमला तो नहीं करने वाला है। यहाँ पहुँच कर इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर रेस और किसी के लिए नहीं बल्कि एक्सिस कॉरपोरेशन के लिए ही काम कर रही है। ये वही कंपनी थी जो एल्केलाइड ट्रांसजेंडर से कनेक्ट थी, जहाँ पर बच्चों की म्यूटेंट्स पावर को और ज़्यादा एनहांस करके उन्हें सेना में लड़ने के लायक बनाया जाता था। अब वहाँ पर डॉक्टर रेस पहुँचकर सभी को अपने फोर्स फील्ड के अंदर कैप्चर कर लेती है। सभी के ऊपर एक कवच सा बना देती है, जिसे कोई भी तोड़कर उससे बाहर नहीं आ सकता। सभी म्यूटेंट्स उससे कहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, हमें यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रही। तो डॉक्टर कहती है कि मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगी सिवाय डैनी के।
मैं अभी तक तुम सब की जान बचा रही थी। तुम सब में सबसे खतरनाक है डैनी, और तुम सब लोगों की जान आज तक सिर्फ इसी की वजह से खतरे में है। डॉक्टर सभी को बताती है कि डैनी ही है जो तुम्हारा पास तुम्हारे सामने लेकर आती है और तुम सभी को उससे परेशान करती है, और तुम लोगों को वो जिंदगी जीने के लिए मजबूर करती है जिससे तुम भागते आए हो, और तुम सभी के साथ जो भी हादसे हुए हैं वो डैनी ही कर रही थी। अब डॉक्टर रेस डैनी के कवच को काफी छोटा कर देती है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अब वो उसे जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ की दीवार तोड़कर एक बहुत बड़ा सा डीमन बियर वहाँ पर आ जाता है, और वो डीमन बियर डॉक्टर रेस को खा जाता है जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव शील्ड टूट जाती है। लेकिन तभी डैनी भी बेहोश हो जाती है। रैन उसे जगाने की कोशिश करती है। दोस्तों, ये वही डीमन बियर था जो डैनी को सपनों में आकर सताया करता था। अब वहाँ पर इलियाना अपनी शॉर्ट निकालकर उस डीमन बियर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। सैम और रॉबर्टो उसे कहते हैं कि इसके पास जादू है, ये तुम्हें नुकसान पहुँचा देगा। तब इलियाना कहती है कि मैं भी तो जादू से ही बनी हूँ। फिर वो डीमन बियर से लड़ाई करने लगती है, और हम देखते हैं कि उसके छोटे से पपेट में भी जान आ जाती है। इलियाना उस डीमन बियर पर काफी ज्यादा वार करती है, लेकिन वो डीमन बियर काफी ज्यादा ताकतवर होता है। अब इसीलिए उसका साथ देने के लिए सैम और रॉबर्टो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन बियर काफी ज्यादा ताकतवर था। अब डैनी पहुंच जाती है एक दूसरी दुनिया में। वहां पर वो खुद को अकेला पाती है, साथ ही वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और उसे काफी ज्यादा डेड बॉडीज भी देखने को मिलती है। वो काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे एक सेफ जगह पर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने आते हैं उसके फादर विलियम। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है, उसे खत्म कर देना है और अपने अंदर पैदा हुए इस डर को जड़ से मिटा देना है। और तभी अब डैनी को भी होश आ जाता है। वो अपने सामने पाती है उस डीमन बियर को, और वो उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे तबाही मचाने से रोकती है। अब डैनी अपनी एग्रेशन के साथ उस डीमन बियर के सामने आती है, और हम देखते हैं कि वो डीमन बियर धीरे धीरे शांत हो रहा है। और फाइनली वो मोमेंट भी आ जाता है जब डीमन बियर डैनी की बात मान लेता है और वो वहां से गायब हो जाता है। अब वो फाइट फाइनली खत्म हो जाती है और सभी एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें ये भी पता चलता है कि इस फैसिलिटी पर जो फोर्स फील्ड बनाई गई थी वो भी अब गायब हो चुकी है, यानी अब वो सभी लोग आजाद है अपनी जिंदगी और अपनी दुनिया में जाने के लिए। अब उन्हें याद आती है डॉक्टर रेस की बात जो उन्हें कहा करती थी कि यहाँ पास ही में 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। फिर सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं अपनी नई जिंदगी को शुरू करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों, हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर जितने भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुँच पाएँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।